सिंगरौली में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम पर कांग्रेस ने निशाना साधा और कहा कि यह अन्न उत्सव नहीं भाजपा का लूट उत्सव है। प्रशासन को भाजपा ने कठपुतली बना दिया है। युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि यह भाजपा का लूट उत्सव है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आज भाजपा कार्यकर्ताओं को समाज सेवा के रूप में प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है वे निंदनीय है। आखिर जिला प्रशासन की क्या मजबूरी थी जो भाजपा पदाधिकारियों को समाज सेवी बनाकर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया। उन्होंने कहा वे कार्यक्रम के नहीं लेकिन भाजपा के इस लूट उत्सव के विरोधी है। सरकारी योजनाओं को भाजपा ने अपनी पार्टी की योजना बनाकर सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने प्रशासन को कठपुतली की तरह उपयोग किया है। प्रवीण सिंह ने कहा कि जिले में कई जगह खाद्यान्न वितरण केंद्र में मारपीट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई क्योंकि इस सीजन में किसान अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त है लेकिन सैकड़ों की संख्या में लोगों को बुलाकर हर वितरण केंद्र में सिर्फ भाजपा पदाधिकारियों को खाद्यान्न दिया जा रहा है, बाकी लोगों को कहा जा रहा है कि आपको दूसरे दिन दिया जाएगा। यह विवाद की स्थिति भाजपा के नेताओं ने उत्पन्न की है। हम सबको बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भारत के 130 करोड़ जनता के बीच में जो गरीब वर्ग है उनको अन्न उत्सव का लाभ मिले, ये हम सबकी सोच है, अच्छी बात है, होना चाहिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो खाद्य सुरक्षा बिल है वो 2013 में कांग्रेस की सरकार आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने वो बिल लाया था, इसलिए लाया था कि हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की थाली में अन्न पहुंचे और सम्मानपूर्वक जिंदगी वो जी सके। उनकी ये सोच थी कि हिंदुस्तान का कोई भी गरीब व्यक्ति किसी के सामने अन्न के लिए भोजन के लिए हाथ न पहर जाकर के फैलाए, उसके लिए खाद्य सुरक्षा बिल लाई गई। लेकिन आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी गरीब जनता का, गरीब व्यक्ति का एक मजाक उड़ाने का कार्य किया है। एक बड़े उत्सव की तरह उसको जगह जगह मनाया जा रहा है, जहां टेंट लगाए जा रहे हैं, जो थैला वो दे रहे हैं उसमें दो नगर बड़े बड़े सेठों की फोटो लगी हुई है, एक दिल्ली का सेठ की फोटो लगी हुई है, एक मध्य प्रदेश के सेठ की फोटो लगी हुई है और उसमें बड़े स्पष्ट तरीके से लिखा गया है कि गरीब कल्याण कारी योजना, मतलब जो व्यक्ति झोला ले उस झोले को या उस अन्न को लेने जा रहा है उसे मीडिया के सामने उसको बेइज्जत करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।